हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये भी वहीं का है, मेरी खाला के यहाँ का। तो ये जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, खाला वगैरह मेरी रहती हैं, ये पुराना वाला घर है। तो ये मैं वहीं की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये दिखा रही हूँ इसमें कि मेरी भाभी को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मेरी भाभी ने कुछ इस तरह से प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और अच्छा लगता है घर में भी। और छत पे एक छोटा सा एक टेरेस गार्डन टाइप का है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से लगा के रखे हैं भाभी ने प्लांट्स। ये सदाबहार का पौधा है, काफ़ी सारे फूल निकले हुए हैं इसमें, खिले हुए हैं। और ये मनी प्लांट देखिए काफी बड़ा हुआ है। ये जाल है, ये आंगन एरिया है, देखिए काफी बड़े बड़े जाल लगे हुए हैं। पहले इसी तरह के जाल लगते थे खूब, बहुत ही बड़े बड़े। तो चलिए मैं आपको छत की तरफ ले चलती हूँ। छत पे कुछ ऐसे ही छोटा सा गार्डन बना के रखा है। तो यहाँ पे मंकी बहुत हैं, बहुत सारे बंदर हैं, इस वजह से इन गमलों को इस तरह से जाली लगाकर बंद करके रखा हुआ है। ये है तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो ये वीडियो भी लॉकडाउन के पहले का ही है, जब मैं गई थी वहाँ पे तभी मैंने इसको शूट करके रखा था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये है विद्या, हम लोग इसको विद्या कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? कुछ गमले ऐसे ही सूख भी गए हैं, तो बारिश के टाइम पर सब अच्छे हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये वाइट कलर के फूल हैं जिसमें काफी अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से जाली के अंदर सारे गमले रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर रहने नहीं देते कुछ भी, इसलिए इसको इस तरह से कवर करके रखा हुआ है। भाई भाभी दोनों लोगों को काफी शौक है, इस वजह से उन्होंने ये सब लगाए हुए हैं और काफी केयर करते हैं वो लोग। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है कस्तूरी का पौधा और ये पीछे साइड तुलसी का पौधा लगा हुआ है। मैंने बताया ना तुलसी के पौधे काफ़ी सारे हैं और कुछ मैं जानती भी नहीं हूँ इनका नाम, कुछ पौधों का मैं जान नाम भी नहीं पता कौन सा किस चीज़ का है। तो ये देखिए ये वाइट कलर का फूल, ये गेंदे का है, ये देखिए व्हाइट कलर के सदाबहार, ये सदाबहार है, ये व्हाइट वाले हैं। और ये एलोवेरा है, ये काफी बड़ा हो चुका है, कुछ पौधे सूख भी गए हैं। और ये देखिए ये पता नहीं क्या है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन देखने में, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखने में इस तरह का लग रहा है ना, जैसे कि हम पेंसिल छीलते हैं तो उसका जो निकलता है ना छिलका, वैसे ही दिख रहा था, पर ये अच्छा लग रहा था। ये है छुईमुई का, ये छोटा सा पौधा है अभी। ये पिंक कलर के फूल,
ये भी गेंदे का पौधा लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड, ये वाले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका कलर देखिए ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी तुलसी है। और ये तुलसी का बीज है सऊदी अरब का, तो ये वहाँ का बीज है, ये वही वाली तुलसी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, तुलसी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तुलसी के पौधे में। ये वाइट सदाबहार। तो फ्रेंड बताइए आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ये है गुलाब का पौधा, काफी बड़ा हो चुका है, इसमें गुलाब निकले हुए हैं काफी सारे। अभी तो बारिश वगैरह हो रही है तो सारे पौधे अच्छे हो गए होंगे। तो ये देखिए मेरा भतीजा है, ये जो पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है, बहुत मस्ती करता है। ये देखिए एक बटरफ्लाई आ गई है, मैं उसको शूट कर रही हूँ लेकिन वो बैठ ही नहीं रही है कहीं। मैं सोच रही थी ये बैठ जाए कहीं, मैं इसको भी ले लूँ अपने वीडियो में। देखिए ये ना, नाम नहीं पता मुझे ये क्या चीज है, पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये जो मीनार देख रहे हैं आप लोग, ये मस्जिद है, पास में ही मस्जिद भी है। तो ये देखिए मैं ऊपर वाली छत पर आई हूँ, ये छत से दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे ही थोड़ा सा बाहर का व्यू। ये देखिए सबसे ऊपर वाली छत पर आए हैं हम। ये देखिए ये बाहर का एरिया है, बाहर साइड दिखा देते हैं आप लोगों को थोड़ा। ये मार्केट है, मार्केट में ही है ये भी घर।
ये वाला घर भी मार्केट में ही है। और वो जो इससे पहले जो वीडियो दिखाया था वो भी मार्केट में ही बना हुआ है। ये देखिए, ये रानी लक्ष्मी बाई बनी हुई है। कैमरे में अच्छे से नहीं नजर आ रहा है। तो ये देखिए मंकी भी आ गए हैं। जैसे मैंने बोला ना आगे वीडियो में, यहाँ पे मंकी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसी वजह से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, छत पे भी कुछ नहीं सुखा सकते हैं बंदर की वजह से। तो मंकी आ रहे थे तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो ये देखिए शाम का टाइम था, पास में ही एक छोटा सा पार्क है। झूले वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, बस ऐसे ही। तो बच्चे लोग शाम को पार्क में भी गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। हैं दोनों भतीजे और है मेरी बेटी, जो कि यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जरूर बताइए मुझे कमेंट करके, और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए बेटी मेरी कैसे चढ़ रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। झूले वगैरह नहीं है, बस एक छोटा सा पार्क है। जैसे ही शाम होती है तो लोग ऐसे ही टहलने के लिए चले जाते हैं, अच्छा लगता है। बच्चों को थोड़ा खुले में खेलने के लिए मिल जाता है तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। ये देखिए इसी तरह से अनम यहाँ पे खूब मस्ती कर रही है, काफी अच्छा लग रहा है उसको यहाँ पे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।